देख रहे हैं जनमंच न्यूज, जन जन की आवाज। दिन में सपना देखल भुला जा, हम पटना के हैं, पटनी वाली ना है। नमस्कार, मैं हरिओम कुमार और आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। आज भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई है मोहब्बत की सौगात। मैं मुजफ्फरपुर के शेखर सिनेमा हॉल के बाहर हूँ, जहाँ फिल्म देख करके बहुत सारे दर्शक निकले हैं। उन्होंने क्या कहा, फिल्म कैसी लगी और फिल्म क्या संदेश दे रही है। वैसे माना जा रहा है कि ये फिल्म नारी सशक्ति को बेस बनाकर बनाई गई है। आइए जानते हैं पब्लिक की राय, क्या कहते हैं पब्लिक, कैसा लगा सिनेमा और क्या उनकी समीक्षा है, बताइए कैसा लगा। बहुत अच्छा, महिला पे भी बहुत अच्छा, ऐसे ही महिला का देख के महिला का सोच ही बदल सकता है कि ऐसा करना चाहिए और महिला को जो करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, नारी सशक्ति बहुत अच्छा, बताएंगे। इस पिक्चर से हमको ये सोच होता है कि हम अपने बच्चे को आगे में पढ़ाए, जो उसकी इच्छा हो उसको पूरा करें, और बच्चे चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है, आगे में बढ़ सकती हैं, बच्चे सपना पूरा कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, बच्चे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, उसमें माँ बाप का भी सहयोग करना होगा। हमको बहुत अच्छा लगा। अब वक्त आ गई ना कि उच्च शिक्षा, उच्च नौकरी और उच्च हैसियत पा जाएगी। हम सात पुस्तक अपन घर के मर्यादा मिटे ना दे। हमारे समाज में जो गलत फहमी है महिलाओं के लिए, उसको दूर करने का ये बहुत है। क्या आपको क्या लग रहा है फिल्म, क्या एक संदेश दे पा रही है समाज को? हाँ बिल्कुल दे रही है। किस प्रकार की संदेश दे रही है? अच्छे महिला को मैंने कहीं भी जाने से रोका ना जाए, वो अगर कुछ करना चाहती है तो उसको रोका ना जाए। इतना मेहनत से यहाँ पहुँच लू, आपका तोड़ देबू अपन सपना के, हम तो तहरा के सलूटे करके खुश हो जाए। हमरा पता बा रोरा का चाहिए। कैसा लगा फिल्म, शिक्षा पर बनी हुई फिल्म, क्या संदेश दे पा रही है समाज को? शिक्षा करना चाहती है, देहाती औरत जो है जिसको दबा के लोग रखते हैं गांव के, उनको बढ़ने के लिए और प्रोत्साहन किया गया। औरत को बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, बहुत अच्छी है। मैडम बताइए कैसा लगा फिल्म आपको? फिल्म बहुत अच्छी है और नारियों का उत्थान दिखाया गया है, और जो सोच है, जो कहानी है, वो मतलब बहुत ही सार्थक है। जमाना जे बा पूरा बदल गई बा, रहू अपन सोच बदली। अगर नारी ठान ले तो अपन परिवार, अपन समाज, अपन देश, अपन सबके किस्मत बदल सकेगी। एक सभ्य और सुसंस्कृत भाषा में यह फिल्म है, जो भोजपुरी फिल्मों के लिए खास जरूरत है, ताकि भोजपुरी को जो उसका वास्तविक मुकाम है वो मिल सके। ये फिल्म जो है उसके वो ये सफल है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कार्य में लगे हैं, वो नीतीश कुमार का लक्ष्य और पल्लवी प्रकाश का लक्ष्य एक ही है, वो शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं, और ये शिक्षित एक नारी को दिखला कर करके जो समाज में उत्कृष्ट कार्य है उसको इन्होंने दिखलाया। हम चाहेंगे कि इसके जो निर्माता निर्देशक हैं, ये आगे भी इसी तरह की फिल्में देखें। अगर आपके सपना पूरा करे के खातिर हमारा भगवानों से लड़े के पड़ल ना, तो हम लड़ जाए। बेला शरम मोहे लागे ला गरम काहे, बरखा के बुनिया काहे बोला सजना, काहे बोला सजना। आज एक फिल्म रिलीज हुई, भोजपुरी फिल्म मोहब्बत की सौगात, जो मुजफ्फरपुर के शेखर सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है। फिल्म की निर्मात्री पल्लवी प्रकाश जी हमारे साथ में, आइए बात करते हैं पल्लवी प्रकाश जी। मेरा सर पर आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए, और जनमंच न्यूज को बहुत बहुत आभार की मैडम। अभी एक फिल्म है आपकी, जो फिल्म आई है मोहब्बत की सौगात, उसकी एक शो अभी निकल चुकी है और लोगों का रिव्यू भी बहुत अच्छा है। मैडम ये फिल्म में नारी सशक्ति हमको दिखाई गई है, लोगों का मानना भी है कि एक समाज को अच्छी संदेश है, लेकिन भोजपुरी फिल्म में बहुत कम ही ऐसी फिल्म होती है जो किसी देश पर किसी नारी सशक्ति के रूप में आधारित, ये बदलाव आपने किस प्रकार से?
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं ये कहूँगी कि ये फिल्म मोहब्बत की सौगात ये बनाई गई है एक विजन को लेके कि हमारी जो भोजपुरी सिनेमा है उसका दिन ब दिन सिर्फ देखता जा रहा है। तो मुझे ये बिहार की बेटी और बहू होने के नाते बहुत ही दुख हो जाता है क्योंकि मेरी बैड कि वाई उनकी भोजपुरी सिनेमा स्पेशल सिनेमा सेंसिबल सिनेमा क्यों नहीं बनाई जा सकती है बनाई जा सकती है भोजपुरी लैंग्वेज में जो हमारी बहुत ही प्यारी संस्कृति है हमारे बिहार और हमारे दूसरे रीजनल सिनेमा को जैसे बंगाल सिनेमा हो गई या मराठी हो गई उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है वो इज्जत की नजर से देखा जाता है तो हमारी भोजपुरी सिनेमा को क्यों नहीं। तो इसी सोच से नींव बड़ी मोहब्बत की सौगात है और ये नींव रखी गई कि अच्छे सब्जेक्ट को हमें बनाना है और ऐसे संदेश वहाँ फिल्म बनानी है जो लोगों को एंटरटेनमेंट मनोरंजन के साथ मनोरंजित करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल कॉज की मैसेज दे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं विमेन एम्पावरमेंट ये मूवी है नारी सशक्तिकरण पे और गाने बहुत खूबसूरत हैं बहुत ही प्यारे ढंग से फिल्माया गया है और लोगों के दिलों को छू रहा है। पर सुना खुदा ने हुस्न दिया है तो मार ही डालोगी हमसे नहीं करोगी मोहब्बत तो क्या चार डालोगी जे गाई हो उलई की पटाई हो जे लेकी पटाई हो तू चप्पल भिखाई हो जे लेकी पटाई हो तू चप्पल भिखाई हो। मैंने फिल्म है नारी सशक्तिकरण और फिल्म की जो नाम रखी गई है मोहब्बत की सौगात ये नाम क्या आपने चूज किया या फिर किस आधार पर इसने नाम आपने बनाया इसका? जी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं कहूँगी मोहब्बत की सौगात इज गिफ्ट ऑफ लव बेसिकली। तो इस फिल्म में गिफ्ट ऑफ लव यही रहा है जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस हैं जो मेन तो उनके जो पार्टनर है हस्बैंड ने उन्होंने कैसे सपोर्ट किया उनके सपनों को पूरा करने उनके जो अपने समाज को बदलाव के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था उसे सपने को पूरा करने के लिए कैसे सपोर्ट किया तो ये सौगात है। इसे भी एक बड़ा ही रोमांटिक नाम दिया गया है जिससे दर्शक भी एक वो कोई भाषणबाजी ना हो तो मोहब्बत की सौगात समाज के लिए हो बहुत ही उपयोगी हुआ और समाज में एक बहुत ही फ्रूटफुल जीवन के एंड में तो ऐसे ही इसी तरह से लिंक करता है दोनों सब्जेक्ट्स को लव एंड विमेन एम्पावरमेंट। बिना दुपट्टा तू घुमाना गोरी पहिल उठानी में यही गाया जिलाबा लइका लूट ली है जवानी में ई गाया जिलाबा लइका लूट ली है जवानी में। मैडम फिल्म भोजपुरी है लेकिन नाम से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ये हिंदी नाम है मोहब्बत की सौगात क्योंकि लोगों को लगता है कि मोहब्बत की सौगात की हिंदी फिल्म हो सकती है जो भोजपुरी में जनरली भोजपुरी वो लैंग्वेज आ जाती है फिल्म के नाम में। बहुत ही विडम्बना की बात है कि अभी तक जितनी भी हमारी भोजपुरी फिल्में 10 वर्षों में बनती आई हैं उनकी जो नाम है वो हिंदी फिल्मों की कॉपी होती है। मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि क्या हमें क्रिएटिविटी की कमी है क्या हम भोजपुरी के जो राइटर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं क्या हम ओरिजिनल कुछ नहीं दिखा सकते। तो मोहब्बत के सौगात इसके भोजपुरी में की गई एक तो नाम तो भोजपुरी ही है और ओरिजिनल नाम मुझे इस चीज़ का पकड़ कहीं से किसी हिंदी फिल्म की कॉपी नहीं है ओरिजिनल नाम तो इसमें मुझे है कि बिहार के फिर जितने भी दर्शक देखेंगे आगे भी और अभी तो स्टार्ट हुई है फर्स्ट शो से तो वो समझेंगे इस विजन को कि ओरिजिनलिटी में जो दम होता है ना वो कॉपी में नहीं होता है तो इसीलिए इसका नाम अलग हटके है मोहब्बत की। और हाँ अगला बेरी से ये साड़ी आप ना उतारें हम उतारें। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ जनजन की आवाज़।